पत्थर जमाए हैं। ये प्राचीन मान्यता है कि यदि किसी को घर पाने की चाह हो तो इस प्रकार से यहाँ आकर एक घर बनाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। हर हर महादेव, जय शंकर। देख सकते हैं जगह जगह पहाड़ियों में बर्फ और काली घाटी भी नजर आती है। 15,150 फीट की ऊंचाई पर अभी हम हैं और लगभग 4,000 फीट और, तो कुल मिलाकर 19,500 फुट हम जाएंगे। देख सकते हैं ये रास्ता है, अत्यंत ही दुर्गम रास्ता है, पहाड़ी चट्टानों से भरा हुआ, और उस पहाड़ी पर हमें चढ़ना है। उसके बाद दूसरी तरफ से उतरते हुए फिर दूसरी पहाड़ी पर, ऐसी 7 पहाड़ियां हैं जिनको पार करके श्रीखंड पहुंचा जा सकता है। सुबह के कितने बज गए? 6:30 हो गए हैं और हमारा अनुमान है कि हम 5 से 5 घंटे के अंदर श्रीखंड तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। मतलब कि 6:30 से करीब 11:30 के आसपास श्रीखंड तक पहुंच जाएंगे। श्रीखंड पर ग्लेशियर होगा, उसको पार करके हमको जाना है और महादेव से प्रार्थना है कि मौसम साफ रहे, बारिश ना हो, स्नो ना गिरे, क्योंकि कल कुछ मित्र सिर्फ 100 फुट या 100 मीटर की दूरी पर, 300 फुट दूर थे श्रीखंड से, और इतनी स्नोफॉल हुई कि वो श्रीखंड तक पहुंच नहीं पाए, वहां से वो वापस आए। और भी बहुत सारे साथी थे, जो कोई भीमद्वार से वापस लौट गया, कोई पार्वतीबाग से वापस लौट गया, कोई नैन सरोवर से, कोई नैन सरोवर तक भी आता है और वापस जाना पड़ता है। तो ये सिर्फ प्रारब्ध प्रभु का आशीर्वाद होगा कि एक अद्भुत अनोखा दर्शन हो जाए। कहाँ से भेजिए आप? चंडीगढ़ से। तीनों? हाँ जी तीनों। कितने आए आप? 7 बंदे। कैसा लगा आपको यहाँ आके? यहाँ आके हमें बड़ा अच्छा लगा, शांति बहुत है, बड़ी अच्छी जगह है ये। फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ जी फर्स्ट टाइम है, मन बड़ा शांत हुआ हमारा यहाँ पे आके। तो आपको कैसा लगा भाई जी? बहुत अच्छा लगा जी यहाँ के। आप भी चंडीगढ़ से हो? हाँ जी हम भी चंडीगढ़ से हैं। फर्स्ट टाइम है आपका भी? हाँ जी फर्स्ट टाइम है जी। आप कितने आदमी हैं? हम भी 7 इकट्ठे थे, 4 पीछे आ रहे, हम 3 आगे थे। आपको कैसा लगा भाई जी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के, काफ़ी शांति है, देखने को मिलता है पहाड़ों की ठंडक। वैसे रास्ता कैसे लगा आपको? रास्ता मुश्किल है, मुश्किल है पर चढ़ा जाता है, मजा आता है, धीरे चलो चढ़ाई हो जाती है पूरी। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, कई लोग वापस जा रहे हैं बीच रास्ते से। ठीक है, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। बोले बम बम, बोले बम बम, बोले बम बम, बोले बम बम, बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम, बोले बोले नाथ सबके साथ, बम बम, बोले बम बम, बोले बम बम, बोले बम बम, बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्रीखंड महादेव की जय, श्रीखंड महादेव की जय, पार्वती मैया की ब्यूटी, सी द ग्लेशियर्स ऑल अराउंड द पीक्स, इट्स अमेजिंग, नो वर्ड्स, इट्स वर्थ टू सी। बादल हमारे से नीचे हैं, सूर्य देवता की कृपा हो रही है और ये हम आगे जाने का रास्ता है।
उस तरफ वो दो पहाड़ियों के बीच में से, और वो ऊपर रंजित भैया उधर जाके बैठ जाता हूँ। तीसरी चट्टान है ये, थोड़ा बहुत दूर है। हाँ चलो आए, बस सीधे चले। वो खड़ी पहाड़ी फिर आ गए वापस। हाँ देखिए भाई साहब पानी की बोतल भर रहे हैं, अभी है। अगर कोई एक खाली बोतल है तो हम भर लो ऐसे, जरूरत पड़े तो। बीमार नहीं करते, बीमार कर रहे हैं। ये रास्ता है, वही रास्ता है, ऐसे ही उस तरफ घुमा। पहाड़ी की दूसरी तरफ वाली पहाड़ी जय पर्वतराज। चलो उनकी हिम्मत देखो यार, कुछ खाते पीते भी नहीं है, ऐसे चले जाते। वो भीम तलाई कहाँ गया? स्वर्ग की सीढ़ी वाला भीम तलाई। सारी बाधाओं को पार करके श्रीखंड महादेव। हम तो आपको सल्यूट करते हैं बस। नहीं नहीं यार, सल्यूट करते हैं हम सच में। नहीं नहीं यार, लोकल बंदों के बुरे हाल हो जाते हैं। नहीं नहीं आप सच्चे भक्त हैं भोलेनाथ के, और आपको फल याद नहीं आने वाले। बस भोले की कृपा है। हाँ बहुत अनोखा और अद्भुत दर्शन है ये है श्रीखंड महादेव। बोलो श्रीखंड महादेव की जय हो। आराम से 15 मिनट। आप कहाँ से हैं? मैं तो शिमला से हूँ सर। अच्छा अच्छा, हिमाचल के हैं। हिमाचल के लोग थोड़ा आराम से हो पाते हैं, चढ़ना करना उनके लिए थोड़ा नहीं आसान होता है, क्योंकि बचपन से वो लोग इधर पहाड़ों में रहते हैं। हमारे राजस्थान में तो ठीक है, इतना मिट्टी के दौरे इतना नहीं काम पड़ता, छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं। बट जैसा रास्ता दुर्गम देखा ना, ऐसा मतलब हिम्मत टूटती गई और जुड़ती गई वाली बात। भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है, और आपकी भक्ति और भोलेनाथ की शक्ति। बस बस आंसू निकल गए कई जगहों पर तो। उसकी भक्ति बहुत शक्ति है अगर कोई माने तो। उस सामने कार्तिकेय पर्वत है। अच्छा ये है श्रीखंड और वो कार्तिकेय है। हाँ 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 ये चोटी कार्तिकेय है। और ये है हाँ ये साइड। हाँ ये तीनों हाँ, ये शिव पार्वती और वो है। अच्छा शिव पार्वती गणेश और गणेश। हाँ पार्वती गणेश का शिव। अच्छा चलिए पार्वती गणेश। अब सिर्फ 50 कदम दूर है श्रीकर्ण महादेव। आगे जाएंगे, विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद कुछ देर यहाँ रुकेंगे। हाई एल्टीट्यूड है, लगभग 19,000 फीट। ज़्यादा देर इधर नहीं रुक सकेंगे, कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट यहाँ रुकने की। बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। ऑन 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 ऑन
आपण एका काम इधर को देखो जा, इधर भी मारो नजर। इसको क्या करेंगे? ओम शंकर। वो संदीप पुत्र भाई साहब। ओके ना भाई साहब भाई उल्लाय के भाई भोग चढ़ाओ, शादी भोग, इसको भी चढ़ाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ, जो भी है उसको सारा चढ़ाओ, इसको भी चढ़ाओ, कोई भी चीज डोरी डोरी बोरी डोरी डोरी बांधो ना। हाँ, इसको ऐसा मत करो, केले थोड़ी रगड़ा, इसको हाथ में बांधो ना, करके फिर हाथ में बांधो, हाथ में बांधो बस, फिर बाकी खत्म करो इसको। पार्वती माता के लिए पैकेट रख लिया, अगरबत्ती का वाला कहाँ, इस अगरबत्ती का पीस रख लेना, लाती बना एक दूजे दे, खुद बांधेंगे एक दूसरे, आप बांधो इनको। ये देखो चालू है, चालू है, ऐसे नीचे ना करो, ऐसे कुछ नहीं दिखे, आप बांधो इनको, डोरी जी दो मेरे द्वारा। हाँ चलो, ऐसा साइड हो जाए ना, ऐसे हो जाओ, ये बांधेंगे आपको खुद का एक बांध रहे हैं आप, या ये बांधेंगे खुद हरे हर हर महादेव, हरे हर हर। टीका लगाया एक परिक्रमा कर लेते हैं। हाँ परिक्रमा करेंगे, ठहरो।